हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर लाइफ इज़ ब्यूटीफुल शालूस किचन पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं पर बनाने वाली हूँ एक स्पेशल अंडा करी की रेसिपी। तो इसमें जो हम यूज़ करते हैं एक सीक्रेट रेसिपी है, तो मेरे साथ बने रहेगा आगे तक। तो आज मेरे किचन में है मेरी छोटी सी बेटी, मुझे मदद करने के लिए आई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाने के लिए। तो हमें चाहिए 4 मीडियम साइज की प्याज और 2 मीडियम साइज की टमाटो। इसे हमें अच्छे से मिक्सर जार में डालकर अच्छे से पेस्ट करके लेना है। तो देखिए, इस तरह से हमें इसका पेस्ट बना कर लेना है। तो चलिए कढ़ाई रख देंगे। अभी हम इसका ग्रेवी रेडी करेंगे। तो कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म होते ही हम इस पर डालना है राई। एक चम्मच राई ऐड किया है और एक चम्मच सौंफ ऐड किया है। और हम इस पर ऐड करना है गरम मसाला, जो अक्के गरम मसाला होते हैं उसे ऐड करना है। देखिए इस तरह से इसे भी ऐड कर लेंगे। और अदरक और लहसुन एक चम्मच ऐड करना है और अच्छे से मिला देंगे। इसके बाद हम इस पर डालेंगे हरी मिर्च और प्याज। एक प्याज को मैंने साइड पर रखा था, उसे भी ऐड किया है। और अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो प्याज है अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। तब तक हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमें गोल्डन ब्राउन करना है प्याज को। तो अभी हम जो पेस्ट करके रखा था टमाटो और प्याज का, उसे भी ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिला देंगे ताकि इसका जो कच्चा स्मेल है पूरा अच्छे से जाए। और हमें तब तक इसे मिक्स करते रहना है और मीडियम टू लो फ्लेम रखना है फ्लेम को हमें। तो इसमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट्स मैं इस पर ऐड करने वाली हूँ। आप मेरे वीडियो आखिर तक देखिएगा तो आपको पता चलेगा मैंने क्या इस पर ऐड किया है। तो बाकी के अंडा की मसाला सब सेम है, लेकिन एक इंग्रेडिएंट्स इसका अलग है। इसके लिए आप बने रहेगा आगे तक। अभी मैं इस पर ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 3 टेबलस्पून हम इस पर ऐड करना है कश्मीरी चिली पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर मैंने एक छोटे चम्मच ऐड किया है। आप चाहे तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, आपको तीखा जितना पसंद है उसी हिसाब से। और इसका भी कच्चा स्मेल जाने तक हम इसे अच्छे से मिला देंगे। और अभी मैं इस पर ऐड करूँगी, ये है वो सीक्रेट रेसिपी, ये है ब्लैक टी। तो मैंने एक ग्लास पानी में एक चम्मच टी पाउडर डालकर अच्छे से उबाल दिया था। अभी हम इस पर स्ट्रेन करके डाल देंगे इस करी में, इस मसाले में। तो इसका जो टेस्ट है इस ब्लैक टी से आते हैं, बहुत ही अच्छे खुशबू आते हैं और अच्छे एक टेस्ट भी आते हैं इस अंडे करी को। तो देखिए, एक चम्मच ही मैंने इस पर टी पाउडर डाला था, उससे मैंने ये बनाया है ब्लैक टी। तो अच्छे से मिला देंगे, जब तक ये अच्छे से उबाल आए तब तक हमें अच्छे से इसको पकाएंगे। तो देखिए अच्छे से ये जो करी है अच्छे से उबाल आ चुका है। तो मैं अंडे को पहले से बॉईल करके रखा था, 2 पीस करके रखी हूँ कट करके, और इसे हम डाल देंगे इस करी में। और इसे मीडियम टू लो फ्लेम रखकर इसे ढककर थोड़ी देर के लिए हम इसे पकाएंगे, 1-2 मिनट। उसके बाद हम इसके ऊपर से धनिया पत्ते वगैरह डालना है। और आप चाहे तो इसे जितना आपको पतला रखना है इस तरह से आपको लेना, तो अब 2 मिनट के बाद इसे फ्लेम ऑफ कीजिएगा और इसे आप सर्व कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा थिक चाहिए तो 2-3 मिनट तक इसे आप पकाना है कुल्ला छोड़कर। और स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर लीजिएगा। और देखिए अच्छे से बॉईल आ चुका है। तो अभी धनिया पत्ता भी डालकर हम इसे फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडे होने के बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही कच्चा खुशबू भी आ रहा है इस करी में। तो हम सबको ऐसे लगता है ना, अलग अलग वेराइटी जो करीज वगैरह खाने में हमें पसंद आते हैं। तो आप एक बार ये करी बना कर देखिएगा और मुझे ज़रूर बताना ये रेसिपी आपको कैसा लगा है। और चपाती के साथ, राइस के साथ बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन है। तो लग रहा है ना बढ़िया सा ये एक रेसिपी, तो एक अलग सा एक टेस्ट भी है इसका। तो आप ज़रूर ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना तो कैसा है। और आप सब मेरे इस वीडियो पर अच्छा लगा तो लाइक भी ज़रूर देना फ्रेंड्स। और कोई नए फ्रेंड्स हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आपको ये मेरे सब वीडियो पसंद आए तो। तो देखिए ठंडे हो चुका है हल्का सा हमारा करी, तो थिक भी हो चुका है। अभी हम इसे सर्व करेंगे। तो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये एक करी, एक मसाला बहुत ही अच्छा से पसंद आया होगा, आपको ज़रूर अच्छे लगने वाले हैं। एक बार इसे ट्राई करके मुझे बनाकर खाने के बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नई नई रेसिपी के साथ।
तो उम्मीद करती हूँ आप मेरे चैनल पर ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करना, इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करना। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।